प्रणाम दोस्तों, कैसे हैं आप? आप सबका एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल महाकाल में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, जिंदगी की खटास को कम करने के लिए माँ संतोषी का व्रत अवश्य करें। जैसे कि हम सभी जानते हैं, माँ संतोषी को गजानन की पुत्री माना जाता है। इसीलिए पार्वती माँ संतोषी माता की दादी माँ हैं और भगवान शिव शंभु माँ संतोषी के दादाजी हैं। माँ संतोषी, जिनके नाम में ही संतोष का पाठ छिपा है, इन्हें प्रेम, क्षमा, खुशी, शांति, आशा और सबसे बढ़कर आत्मसंतोष का प्रतीक माना जाता है। यह मान्यता है कि माँ संतोषी के व्रत को लगातार 16 शुक्रवार तक करने वाले भक्तों को जीवन में परम संतोष की प्राप्ति होती है। दोस्तों, माँ संतोषी अपने भक्तों को पारिवारिक मूल्यों के साथ दृढ़ संकल्प की शिक्षा देती हैं। यह भक्तों को संकट से बाहर आने के लिए स्वप्रेरित करती हैं। संतोषी माँ को दुर्गा का अवतार भी कहा जाता है। तो आइए सुनते हैं संतोषी माता की व्रत कथा। तो आप सभी से विनम्र निवेदन है कि यह वीडियो अंत तक जरूर देखना। एक समय की बात है, एक वृद्ध स्त्री का एक ही पुत्र था। विवाह के बाद वृद्ध स्त्री अपने सुशील बहू से घर का पूरा कार्य करवाती, लेकिन ठीक से उसे भोजन भी नहीं देती। पुत्र यह सब देखकर चुप रहता। बहुत दिन भर उपले थेपती, चूल्हा चौका करती, बर्तन कपड़ों के बीच दिन बीत जाता, लेकिन सास का व्यवहार ना बदला। इसी समय वृद्ध स्त्री का पुत्र काम के कारण परदेश चला गया। पुत्र के जाने के बाद सास का व्यवहार बहू के प्रति और भी क्रूर हो गया। एक बार बहू मंदिर गई तो उसने देखा कि बहुत सी स्त्रियां संतोषी माँ का व्रत कर रही थी। बहू ने स्त्रियों से व्रत की जानकारी ली। स्त्रियों ने बताया कि शुक्रवार को नहा धोकर एक लोटे में शुद्ध जल लेना, गुड़ चने का प्रसाद लेना, सच्चे मन से माँ का पूजन करना, खटाई भूल कर भी ना खाना। व्रत का विधान सुन बहू संयम से व्रत करने लगी। बहू हर शुक्रवार माँ से प्रार्थना करती कि माँ, जब पति के दर्शन होंगे मैं अपने व्रत का उद्यापन करूँगी। अब एक रात संतोषी माँ ने उसके पति के स्वप्न में दर्शन देकर घर जाने का आदेश दिया। तो पति ने कहा, सेठ का सारा सामान अभी बिका नहीं है, रुपया भी नहीं आया। माँ की कृपा से अगले ही दिन सेठ का सारा सामान बिक गया, तो सेठ ने भी पति को घर जाने की इजाज़त दे दी। घर आकर पुत्र ने अपनी माँ और पत्नी के हाथ में काफ़ी रुपये रखे। पत्नी ने कहा, यह सब संतोषी माँ की कृपा का फल है, मुझे अब उनका उद्यापन करना है। बहू ने सभी को न्योता दे उद्यापन की तैयारी की। लेकिन पड़ोस की एक स्त्री बहू के सुख से ईर्ष्या करने लगी। उसने अपने बच्चों को सिखाया कि तुम भोजन के समय खटाई जरूर मांगना। उद्यापन के भोजन के समय बच्चे खटाई के लिए मचलने लगे, तो बहू ने उन्हें पैसा देकर बहलाने की कोशिश की। बच्चे उस पैसे से दुकान से इमली की खटाई खरीद कर खाने लगे, तो संतोषी माँ ने बहू पर कोप किया। उसके बाद फिर राजा के दूत उसके पति को पकड़कर ले जाने लगे, तो एक अन्य भक्त स्त्री ने बहू को बच्चों द्वारा खटाई खाने के बाद बताई, तो बहू तुरंत ही माँ के शरण में गई और माँ के सामने प्रण किया कि वह अगले शुक्रवार फिर से उद्यापन करेगी, यदि पति ना आया तो भूखे रहकर अपनी जान दे देगी। संकल्प के बाद वो मंदिर से निकली तो राह में पति आता हुआ दिखाई दिया। पति बोला, इतना धन कमाया है इसीलिए राजा ने कर के लिए बुलाया था, वह मैंने चुका दिया। फिर अगले शुक्रवार बहू ने पूरे विधि विधान से व्रत का उद्यापन किया। इससे
संतोषी माँ प्रसन्न हुई और 9 माह के बाद उनके घर एक सुंदर और स्वस्थ बच्चा हुआ। अब सास बहू बेटा और बच्चा खुशी खुशी संतोष पूर्वक रहने लगे। हे संतोषी माता, जैसी कृपा आपने उस वृद्ध स्त्री की बहू पर की, वैसी ही कृपा इस कथा को कहते सुनते और हुंकारा भरते पर करना। जय संतोषी माता। दोस्तों, अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर ऑन करें। हर हर महादेव। धन्यवाद।